बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जी नहीं, मैं ये गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन आपने ये गाना सुना ज़रूर होगा, वो भी हाल ही में किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक छोटे से बच्चे ने ये गाना गाया और फिर क्या था, नेटिजन्स की ज़ुबान पर ये तराना छा गया। आम लोगों के अलावा बॉलीवुड के मशहूर चेहरे भी इस गाने और गाने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि कब एक इंसान हीरो बन जाए और कब विलेन पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी कहानी एक बच्चे की है जिसे फिलहाल हीरो कहना भी गलत नहीं होगा। कहानी के हीरो का नाम सहदेव है। सहदेव दिर्दो का घर सुकमा छिंदगढ़ ब्लॉक के उर्मापाल गांव में है। ये इलाका छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित है। आज से लगभग 2 साल पहले सहदेव ने ये गाना अपनी क्लास में गाया था, अपने टीचर के कहने पर। मौका भी खास था, 26 जनवरी, तब सहदेव 5वीं में पढ़ता था। वीडियो में उसकी उम्र भी बेहद कम नज़र आ रही है। वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब पूरे सोशल मीडिया पर सहदेव के गाने की चर्चा है। सहदेव ने ये गाना शादी ब्याह में सुना था और तभी से ये गाना वो अक्सर गुनगुनाता था। सहदेव अपने पूरे गांव में मशहूर हो चुका है, जबकि उसके घर में न तो स्मार्टफोन है और न ही टीवी। सहदेव के पिता गुड्डे राम दिर्दो किसान हैं और माँ गंगी दिर्दो 5 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। सहदेव के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। खैर, ये तो बात हुई सहदेव दिर्दो की। अब जानते हैं कि एक बच्चे की गायकी का खुमार लोगों पर किस कदर चढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सहदेव के गाने को अब तक लगभग 90 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। उसके गाने पर 12,000 से ज़्यादा रील्स बन चुके हैं। गाने पर मीम्स और रिमिक्सेस की बाढ़ आ चुकी है। बॉलीवुड से जुड़े कई लोग सहदेव के गाने की तारीफ कर चुके हैं। तारीफ करने वालों की सूची में नाम आता है पॉप सिंगर बादशाह का। जब बादशाह को सहदेव के बारे में पता चला, तब उन्होंने सहदेव से संपर्क किया। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। बादशाह ने सहदेव से उसके गाँव के बारे में पूछा, उसका ट्रेंडिंग गाना भी सुना और अंत में अपने साथ गाने के लिए भी पूछा। सहदेव ने इस पर हामी भी भर दी। बॉलीवुड सिंगर ने उसके चंडीगढ़ आने का इंतज़ाम कर दिया है, जिसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए निकल चुका है। उसने एयरपोर्ट के पास पहली बार रायपुर देखा। वो अपने गांव से पहले कभी नहीं निकला था। सहदेव को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उसका गाना इतनी सुर्खियाँ बटोर रहा है। सुकमा के पिंटू साहू और जॉनी फैंटम ने उसे बताया कि उसका गाना इतना मशहूर हो गया है। उन्होंने ही सहदेव की बादशाह से वीडियो कॉल पर बात कराई थी। एक मीडिया समूह से बात करते हुए सहदेव ने कहा था कि उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है। वो पहली बार फ्लाइट पर बैठा था, उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उसके घर में न तो कोई स्मार्टफोन है और न ही टीवी। उसने ये गाना भी दूसरों के मोबाइल में सुना था। सहदेव का कहना है कि वो बड़े होकर गायक बनना चाहता है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके से आने वाला एक मासूम सा लड़का देश का उभरता हुआ सितारा बने, छत्तीसगढ़ को एक नया कलाकार मिले। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वायरल स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।